सेटिंग में, ओके राइट, आप सबके पास पेन है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, जनरली इन लाइफ नहीं, इन 2023 यू कैन, आई एम गिविंग यू अ मिनट, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फॉर 2023, आपको 2023 से चाहिए क्या? मैम, अबंडेंस इन लाइफ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी हेल्दी फैमिली, वेल्दी भी होनी चाहिए, वेल्दी फैमिली विद अष्ट लक्ष्मी आशीर्वाद, सब कुछ है उसी में ही मिलेगा बस। नहीं, इसमें क्या करोगे, फैमिली को आपने साइड रखना है, फैमिली विल कम इन फैमिली गोल, ओके नीना का है, राइट नीना को क्या चाहिए इसमें, वो मैम, मेरा तो बिना फैमिली के मेरे को क्या मिलेगा? जहां किसी को अगर सबका है नीना जी, वो सबका है, जैसे मेरा भी फैमिली है, प्रीति का भी है, राहुल का भी है, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी का है, बट दिस गोल सेटिंग इज फॉर, जब आप ग्रो करोगे पूरी फैमिली ग्रो करती है, आपने पढ़ाई करना शुरू किया है वापस, राइट, सारे हीलिंग मोडालिटीज आप पढ़ रहे हो, उसको लेके आप गोल बनाओ कि मुझे जो है एस्ट्रोलॉजी में कितने आपको डर लगता है याद करने में, हाँ, मैं तो भाग रही हूँ एस्ट्रोलॉजी से बहुत। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी का गोल बनाओ कि मैं फर्स्ट कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले जोड़िया के ऊपर काम करूंगी, फिर मैं भावों के ऊपर काम करूंगी, फिर मैं दशा के ऊपर काम करूंगी, फिर मैं गोचर के ऊपर काम करूंगी, फिर मैं नक्श, ऐसे कर करके यू विल कंप्लीट द होल सिलेबस, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आप फाइनेंशियल में डाल दीजिए, क्योंकि आपको अगर अपने लिए पैसे नहीं कमाना है तो नॉट नेसेसरी आपको फाइनेंशियल करनी है। नहीं, मुझे अपने लिए भी चाहिए, मुझे हाँ, तो तो फिर पहले सब्जेक्ट खत्म कीजिए, फिर पैसे कम, है बट ना? मैम, मैं पता नहीं एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशनली कभी लेना चाहूंगी या नहीं। मैं तो जैसे हम लोग इंपोर्ट के बिजनेस में, मैं वही बिजनेस में से एक लाइन अपनी करना चाहती हूँ। जैसे मैं शुरू से, मैंने अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ, मैं जाती थी ऑफिस, इनका टूरिंग रहता था, ये बाहर चले जाते थे, तो ऑफिस मैं ही संभालती थी। आप जरूर अपने कंपनी का नाम समेत पिक्चर इस ड्रीम बोर्ड में लगाना, आप उनका टर्नओवर, आपको पता होगा इस साल आपने कितना टर्नओवर करना है, ठीक है, आप डिस्कस कर लेना, उसके बाद उसमें आप फाइनेंशियल गोल बनाना कि उसमें हम कैसे कर सकते, वो मैं तरीका आपको बताती हूँ। और मैम, जैसे मैं उसमें से ना एक लाइन चाहती हूँ, जैसे हमारे पास मशीन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, अब मशीन की लाइन तो गुप्ता जी हैंडल करेंगे, वो हमारे हम नहीं कर सकते, हमें मालूम है, क्योंकि मशीन, सपोज एक मशीन उठाई, वो मिनिमम 4-5 लाख की आती है, हम पे कोई ट्रस्ट करके पैसा क्यों देगा? गुप्ता जी का एक अपना नेम एंड फेम है, उनके ऊपर ट्रस्ट करके लोग, और एक मशीन लगती नहीं है पूरे प्लांट में, जैसे 10 मशीन लगी, 4-5 मशीन लगी, तो हैंडसम अमाउंट बैठता है, तो उसपे ट्रस्ट भी तो चाहिए ना। आप नहीं, किसी को प्लांट किसका है? नहीं, हर जैसे जिप जिप जिप्स होती हैं, जैसे नहीं, पैट, प्लांट किसका है? पूरा फैक्ट्री किसकी है? जो भी मार्केट में प्लांट लगाएगा। नहीं, आप बिजनेस तो कर ही रहे हो ना इंपोर्ट का, हम सिर्फ मशीन प्रोवाइड करते हैं, हम बनाते नहीं आप है। कर रहे हो उस पे, आप करो ना उस पे, आप फोकस करो पहले, आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप प्रोवाइड करो, आपका जो अगर कोई व्हाट यू कॉल कंपटीटर आ जाता है, जैसे गुप्ता जी है, हाँ, उसको भी हम बाद में आराम से करेंगे, पहले नहीं, मैं प्रॉब्लम। कॉम्पिटिटर की बात नहीं कर रही हूँ। व्हाट आई हाँ, एम सेइंग इज कि मैं एक उसमें से छोटी सी लाइन अलग करना चाहती हूँ अपने लिए, जैसे कि ताकि मैं
अपनी एक छोटी सी प्रोडक्ट उसमें से मैं अपने मतलब मैं उसमें मेहनत करके आप अलग करो ना, करो करो, सब करो, सब आ जाएगा। अभी रुको, मेरे को पहले कंप्लीट करने दो, फिर आपका ये सवाल मैं दूंगी, ठीक है? नाउ ठीक है। हाँ हाउ टू बी स्मार्टर, व्हाट इज स्मार्टर? एस एस मीन्स स्पेसिफिक, लाइक अभी नीना जी ने बोला मुझे ये करना है, शी इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हर इंटेंशन, मुझे ये करना है, वही चाहिए, ना इधर का ना उधर का। आपका गोल जितना तीर पे जाएगा उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। क्लैरिटी चाहिए आपके सोच में, राइट? उसमें आप डेली क्या करोगे, 20-80 का रूल लगाओगे। व्हाट इज 20-80 या 80-20, कुछ भी बोल दो उसको। 20% इज व्हाट वी डू एवरी डे। जैसे एस्ट्रोलॉजी खत्म करनी है तो रोज कुछ तो खोल के पढ़ना पड़ेगा ना, वो 80% पाने के लिए। अगर 20 किलो घटाना है तो रोज कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तब जाके वो गोल अचीव होगा ना। दैट इज एटलीस्ट योर 20% यू हैव टू गिव डेली फॉर योर गोल। अब वो 20% आप अपने गोल को कब दोगे, कौन से टाइम में दोगे, वो एक स्केड्यूलिंग कर लेना। समझ रहे हो? इसमें कोई डाउट है? डोंट थिंक इफ यू वर्क मोर यू विल गेन, ऐसा नहीं होता है। हमें रिक्शा पुलर नहीं बनना है इधर, हमें स्मार्ट वर्क करना यस सर। है ना? सो डेली 20% यू हैव टू गिव टू योर गोल। उसमें से पूरा करने के लिए क्या करोगे, वो डेली करना है ताकि रिजल्ट मिल जाए। वो कंसिस्टेंसी चाहिए डेली, उसमें कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलिडे नहीं होता। एम एम इज मेजरेबल, एवरीथिंग इज मेजरेबल। मेजरेबल इन द सेंस दैट 20% यू कैन मेजर कि मैंने 20% आज दिया है क्या उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप में से कोई अपने गोल का एग्जाम्पल दो। हीना जी ने तो गोल दिया, किसी और का कोई और गोल है तो यू कैन गिव योर एग्जाम्पल। Okay, I have a goal now. I want to create a social media profile. Like I've been into healing, yoga, and other healing modalities last few years, but still I don't have a social media handle. I'm only like it's word of mouth, nothing else. So this year my target is to have a social media account for myself, where people, my family, friends know what I'm doing. That's great. So, to become a social media handler for yourself, Yes, only for myself. I don't have a page. I practice few modalities like sound healing, and I'm a Ho'oponopono practitioner and yoga practitioner, face yeah. yoga, and a lot of other things. But it's just word of mouth, I even my family and friends don't know that I'm doing this. Okay. So I have been through this stage, so I can really understand what you are talking. So for that, best suggestion is please practice yourself, because tried and tested by many people. मैंने अपना Like, experience, I am so fortunate that way. I started my journey with two people, and now I have every week people waiting for me. oh, Like, that's that is not a problem. I mean, now I have bookings for till the midweek of January already. I don't have so much time, but still, now I have that desire that people should know what I'm doing. It's just word of mouth that people are coming to me on their own, me not putting in any effort. I'm just like whenever I'm doing a session, I'm putting in my best there, but otherwise not letting people know what I'm doing. So now I really want people to know that I'm doing this. Now that desire of being famous has come in. Okay. So for that, daily, what you can do? How can you invest time in this? That is your homework. Okay. So daily you have to give 20% of your goal to achieve it. Ideas.
and quantitatively you can measure, right? For example, how can you portray your thing? I don't know. Like, I mean, have you been posting your thing in the social media? That's what I'm saying. I haven't posted anywhere anything. No WhatsApp, no Facebook, no Insta, nothing. I just started with two people a few years back, and now I have, like, it's, if one person comes for the session, he will send 10 more. That's way it's been going on. Through references you are surviving, right? Yes, okay. Yes, yes. So what you can do is, your goal can be based on sound healing. Okay, I'm not I don't know anything about sound healing, but then yes, you know better. For example, sound healing ka post, first post, if you create one post in Canva only, that will be your 20% which you have invested for your goal in a day. Okay, got it. Right? And then you can post it like only sound healing ka, chakra healing for sound healing. And then the second day something else, whatever you do. So like that, you have to create your own interest. Plus, the goal will be achieved. Right? Yes. Okay. So, in this way, we can measure also. Like, Preeti ne kya apna goal paane ke liye itna percentage us 20% diya hai kya? I mean, if you know 10 things, आपने वो 10 थिंग्स में से कितना साउंड हीलिंग इन्वेस्ट किया? नेक्स्ट यू हैव टू गो टू अनदर प्रोजेक्ट आल्सो, राइट? सो लाइक एब्सोल्यूटली अटेनेबल, इट हैज टू बी रियलिस्टिक, इट्स योर गोल. आई कांट से, आई मीन यस आई कैन से, बट स्टिल देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क इफ आई make a point like every month I will earn 5 crore rupees. Is it feasible? Not really. So we need to squeeze it and to write realistic amount. Varna wo subconscious mind reject kar dega. Hey, teri to itna hai hi nahi, to fir ye kahan se tune create kiya, right? So it has to be attainable. Because achievement se kya hota hai, that adrenal rush comes. That hormone is very, very important for us to give 100%. So achieve karna is very, very important. So your goal has to be believable, measurable, attainable, realistic, flexible. Flexible also. It should not give stress to you. Stress mein nahi kaam karna hai goal achievement mein. Then negativity jayega. We don't want any negative energy here. It has to be fun. Dance karo, music suno, kuch bhi karo. Koi ek goal uthao, chalo usme se. Not necessary sare hi goal karna hai. Are smarter. R is relevant. You should know why you are doing. What is your purpose? That why and what is very, very important for you. आपके लिए वो क्यों मैं कर रही हूं, किस लिए कर रही हूं, वो जानना बहुत जरूरी है. जैसे प्रीति ने अगर इंस्टाग्राम में अचीव भी कर लिया तो क्यों कर रही हैं वो? What is the purpose? So that I can reach more people, you know. Yeah, maybe to change many people's life. Yes. Might be your goal. Right. So yes, for that you have to know. Rahul, तुम माइक खोल के कुछ सवाल पूछना है तो मैं तुम पूछ सकते हो. कोई सवाल है या क्लियर हो रहा है सब? मैम मुझे एक बात पूछनी है. अभी आपने बोला रेलेवेंट पर्पस होना चाहिए, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए. व्हाई एंड व्हाट, क्यों? व्हाई एंड, अच्छा व्हाट. मैम मेरे साथ ना प्रॉब्लम है. मैंने एक्चुअली ये दो बार किया हुआ है, ये विजन बोर्ड का वाला.
बट मैम मैंने ना आज तक खोल के भी नहीं देखा, मतलब उसको ना जैसे बनाया था ना वो, मैंने जैसे ही बनाया मैंने अलमीरा में रख दिया और उसको देखा भी नहीं उसके बाद। काम तो तुम्हें करना है, तुम्हारा गोल है, मैं थोड़ी आगे तुम्हारे लिए ना एक्शन एक्शन नहीं लिया कुछ ज्यादा, मतलब उन्होंने बोला था जब बनवाया था ना कि इसको डेली देखना है उसको, लेकिन क्या मैंने एक अभी द्वारा किया था मैंने जून में, वो भी मेरा ऐसे रखा हुआ है, मतलब देखा तक नहीं उसको मैंने, क्या करें। इसका मेरे पास आंसर नहीं है, यहाँ पे तुम ज्वाइन ये कहने के लिए नहीं हुए हो। हाँ जी हाँ जी, कहने के लिए हुए हो। नहीं मैं, मुझे तो अब मैं दोबारा से बनाऊंगा और इसको मतलब इसको एक्शन लेना है बस, इस बार ऐसा बोर्ड बनाना है। ऑब्वियसली तुम्हारे ही बेनिफिट है ना, मैं दिखा भी दूंगा okay. जब क्लास खत्म होगी ना उससे पहले मैं दिखा भी दूंगा आपको। हाँ बिल्कुल। हाँ जी ऋतु बोलो। हाँ यस मैम, मेरा मैं गोल बताऊँ आपको? हाँ बताओ। हाँ एक्चुअली मुझे एक ऑफर आई हुई है, फ्रेंचाइजी पहले लेनी थी एक फिटनेस एकेडमी की, लेकिन अभी फ्रेंचाइजी तो नहीं लेना है, लेकिन मैं उसका मैनेजमेंट और काउंसलिंग वगैरह मैं करने वाली हूँ। तो अभी वो जनवरी या फिर फरवरी में सारा कुछ एस्टेब्लिश हो जाएगा, पूरा पीटी स्टूडियो है एंड साथ में एकेडमी। तो बस मुझे उसमें फोकस करके वर्क करना है, ये मेरा पहला गोल है। और सेकेंडली जो मुझे स्टाफ चूज करना है, तो मतलब जो ऑनेस्ट हो, विलिंगली वर्क करता हो, तो उस हिसाब से मुझे अगर हेल्प मिल जाती है हमारी गोल सेटिंग्स है, तो इट विल बी बेटर फॉर मी। ठीक है करते हैं। ओके okay. पहले हम ये स्मार्टर फिनिश कर देते हैं। एस बता दिया, एम बता दिया, ए बता दिया, आर रिलेवेंट, आपके लिए रिलेवेंट होना चाहिए, टी टाइम जरूर स्पेंड करना है अपने गोल में। टाइम आप खुद ही सेट कर लीजिए, मेरा ये गोल है मैं इतना टाइम रखूंगा उसके लिए स्पेंड करूंगा, तो वो 20% आप कैसे डिवोट करोगे टू अचीव 80%, ठीक है, वो कैसे करोगे वो आपको देना पड़ेगा, स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी टाइम की। देन ई, E is exciting, excitement होनी चाहिए, राहुल जैसे लेजी नहीं होना चाहिए, है ना राहुल, excitement होना चाहिए। राहुल is my old and sweet student, तो मैं इसको कुछ भी बोल सकती हूँ। excitement जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब गोल अचीव करते हो तो वो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो 2 घंटे और परसों 2 घंटे भाषण देके चली जाऊंगी, मेहनत आपको करनी है ना। रीअश्योरिंग आर, रीअश्योरिंग फील कंटेंट, दिल में खुशी, हैप्पी। ओके आई बिलीव यहाँ पे सबको चक्रा का नॉलेज है, प्रीति यू आल्सो हैव चक्रा का नॉलेज राइट? यस 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 यस। एंड सारे हैं मेरे स्टूडेंट है लगभग, पंकज को भी पता है, सुनीता शर्मा मिश्रा कौन है, अमी, ये सारे मेरे स्टूडेंट है। मैम आई एम टू योर स्टूडेंट। हाँ सारे ही हो, बट आई डोंट नो सुनीता मिश्रा, आई डोंट नो, मे बी हां यस मैम। ओके okay. आप भी मेरी स्टूडेंट हो? नहीं मैम, मतलब मैं ये मतलब एक क्लास आपकी स्टूडेंट नहीं, पहली बार मैंने ज्वाइन किया आपका वर्कशॉप। अच्छा आपको चक्रा का नॉलेज है, चक्रास? यस मैम, यस यस मैम। ओके नाउ ऑलवेज रिमेम्बर बेसिक चक्रा विच इज मूलाधार चक्रा, वो मैनिफेस्टेशन का कारक है, बिकॉज वो लेजीनेस को हटाता है, वो एक्शन लेके आता है, तो उस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, टू गेट अप एंड टू डू वर्क, नॉट मेंटली फिजिकली, ठीक है। सोलर प्लेक्सस,
सोलर प्लेक्सस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मणिपुर. हाँ, मणिपुर, मणिपुर चक्र. सो मणिपुर चक्र जो रिब्स के बीच में होता है वो क्या देता है आपको? कॉन्फिडेंस, इमोशनल गन पाउडर कि मेरे को ये चाहिए, दैट लालच, परसीवरेंस, माय थिंग, मेरा, दैट मेरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पैसा चाहिए ना, मुझे घर चाहिए, मुझे नेम, फेम, रिस्पेक्ट चाहिए. सो वो मणिपुर चक्र देता है. सोलर प्लेक्सस. देन आज्ञा चक्र फॉर मेंटल विल पावर, राइट? काम करने के लिए विल पावर की जरूरत है. तो ये तीन चक्र के ऊपर जब काम करोगे तो आपका अचीवमेंट जरूर होगा, कोई नहीं रोक पाएगा.